बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एड्स विजर्ड्स, कैसे हैं सब लोग? ठीक ठाक हैं? आज अगेन एक नई वीडियो के साथ आपके साथ जो है वो मैं हाजिर हूं। तो यहां पे आप लोग देख सकते हैं कि मैंने कैंपेन क्रिएशन के लिए जैसे बटन के ऊपर क्लिक किया तो मेरे पास ये इंटरफेस आ रहा है। तो प्रीवियसली तो हम लोग पिछले इंटरफेस के ऊपर काम कर रहे थे, तो ये अभी रिसेंटली 2022 के अंदर इंटरफेस जो है वो चेंज हुआ है। तो माइट भी बहुत सारे लोगों के पास ये इंटरफेस जो है वो आ रहा हो, ठीक है। तो अब इस इंटरफेस को भी आज समझ लेते हैं ताकि जब आप लोग कैंपेन्स को मैनेज कर रहे हो तो किसी किस्म की आपको जो है वो मुश्किल जो है वो ना आए। तो ये अगर आप लोगों ने कोई वीडियोस देखी हो आज से 1.5-2 साल पहले की, तो उस टाइम भी एक और इंटरफेस था। उसके बाद अभी रिसेंटली जिस पे मैंने ये प्रीवियस वीडियोस बनाई हैं वो इंटरफेस था, और अब ये इंटरफेस चेंज हो गया है। तो इंटरफेस जब भी चेंज हो तो एक चीज़ आप लोगों ने समझ लेनी है, ऑप्शन उन्हीं के अंदर जो है वो ऐड जो है वो हो जाती हैं। थोड़ा सा इंटरफेस जो है वो चेंज होता है, लेकिन ये नहीं होता कि पूरी की पूरी ही जो है वो कोई ऑप्शन जो है वो गायब हो गई है। लाइक अगर अवेयरनेस सेक्शन की मैं बात करूं तो ये अवेयरनेस के अंदर अगर आज से 1.5-2 साल पहले का इंटरफेस देखें तो इसमें तीन चीज़ें जो है वो उस टाइम पे होती थी, रीच, ब्रांड अवेयरनेस और वीडियो व्यूज़। लेकिन अभी प्रीवियस वीडियोस के अंदर जो मैंने इंटरफेस यूज़ किया तो उसमें अवेयरनेस के नीचे सिर्फ दो ही ऑप्शन आपके पास आती थी, वो थी रीच और ब्रांड अवेयरनेस। लेकिन जैसे अब मैंने यहाँ पे देखे अवेयरनेस सेलेक्ट किया तो यहाँ पे रीच, ब्रांड अवेयरनेस और वीडियो व्यूज़ तीन ऑप्शन, इन तीनों में से अगर किसी के लिए भी आपने कंपेन रन करनी है तो आप यहाँ से अवेयरनेस ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करेंगे। ट्रैफिक के ऊपर अगर जाएं तो आप लोग क्या करेंगे, अगर लिंक क्लिक्स के लिए कंपेन चलाना चाह रहे हैं या लैंडिंग पेज व्यूज के लिए तो आप लोग ट्रैफिक ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करेंगे। इंगेजमेंट के ऊपर आए, अगर आप लोग क्या करना चाहते हैं, मैसेजेस कंपेन जो है वो बनाना चाह रहे हैं, वीडियो व्यूज कंपेन या पोस्ट इंगेजमेंट, इनके लिए ये इंगेजमेंट ऑब्जेक्टिव है। लीड्स के ऊपर आएंगे तो इंस्टेंट फॉर्म्स के लिए, मैसेजेस के लिए, कॉल्स के लिए या साइनअप्स के लिए आप लोग ये ऑप्शन यूज करेंगे। ऐप प्रमोशन के ऊपर आए तो ये ऐप इंस्टॉल्स और ऐप इवेंट्स से रिलेटेड है। और सेल्स पे आए तो आपके पास जो कन्वर्जन ऑब्जेक्टिव के अंदर चीजें होती थी, ठीक है, कन्वर्जन, कैटलॉग, सेल्स और मैसेजेस की ऑप्शन है। तो इनको वन बाय वन हम लोग जो है वो देख लेते हैं। अवेयरनेस के ऑप्शन को अगर मैं सिलेक्ट करूं और कंटिन्यू ऑप्शन के ऊपर जाऊं तो इस पे फिर आगे फर्दर जो है वो हम लोग देखते हैं कौन कौन सी ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले हमारे पास कैंपेन लेवल आ गया। कैंपेन लेवल में किसी किस्म की कोई चेंजेस जो है वो नहीं है, ये उसी तरह से है जो हमने प्रीवियसली जो है वो सीखी हैं। और अगर हम लोग नेक्स्ट एड सेट लेवल के ऊपर आएँ तो ये जितनी भी चेंजेस होंगी मोस्टली यहाँ पर एड सेट लेवल के ऊपर होंगी। तो यहाँ पे एड सेट लेवल और यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है जी, पेज आ रहा है, चूज द पेज, फेसबुक पेज दैट यू वांट टू प्रमोट, कौन से पेज को आप लोग प्रमोट करना चाह रहे हैं, और आगे फर्दर आपके पास वही ऑप्शन है। तो मैं दोबारा यहाँ पे कैंपेन लेवल के ऊपर आता हूँ और यहाँ पे ये देखें मेरे पास कैंपेन में अवेयरनेस और यहाँ पे जो है वो ये ऑब्जेक्टिव जो है वो सिलेक्ट था। अब मैं आगे चलता हूँ ट्रैफिक पे, ट्रैफिक को चेंज किया तो ट्रैफिक में ऑलरेडी लिंक क्लिक्स और लैंडिंग पेज व्यूज की ऑप्शन जो है वो मेरे पास जो है वो अवेलेबल थी। तो एड सेट लेवल के ऊपर आए तो हमारे पास क्या आ रहा है, वेबसाइट के ऊपर सेंड करना है, ऐप के ऊपर, मैसेंजर या व्हाट्सएप के ऊपर। तो सेम उसी तरह से जो हम लोग ट्रैफिक कंपेन प्रीवियस ऑब्जेक्टिव के अंदर बना रहे थे प्रीवियस इंटरफेस में से, तो उसी तरह से है। इंगेजमेंट, अगर हम लोग इंगेजमेंट ऑब्जेक्टिव के ऊपर जो है वो आए और फिर उसके बाद एड सेट लेवल के ऊपर आए तो इस पे अब जो है वो हम लोग देखते हैं और कौन कौन सी ऑप्शन। अब यहाँ पे देखें ये ऑप्शन थोड़ी सी चेंज हो गई है। कन्वर्जन लोकेशन क्या है, ऑन योर एड, अपने एड के ऊपर ही जो है वो आप लोग जो है वो देख जो है वो इंगेजमेंट लेके आना चाह रहे हैं, मैसेजिंग एप्स के ऊपर लेके आना चाह रहे हैं, वेबसाइट के ऊपर जो है वो इंगेजमेंट लाना चाह रहे हैं, ऐप के ऊपर या फेसबुक पेज के ऊपर। ऑन योर एड आए को अगर हम लोग सेलेक्ट करें तो इंगेजमेंट टाइप क्या होगी, वीडियो व्यूज, पोस्ट इंगेजमेंट या इवेंट रिस्पॉन्सेज। अब ये इवेंट रिस्पॉन्सेज अगेन अगर आप लोग कंपेयर लेवल पे देख रहे हो तो आप लोग समझेंगे शायद इवेंट रिस्पॉन्सेज जो है वो ऐड खत्म हो गया, लेकिन ये हमारे पास यहाँ पे इंगेजमेंट ऑब्जेक्टिव के अंदर जो है वो पड़ा हुआ है।
ठीक है, इसी तरह पोस्ट इंगेजमेंट भी इसके अंदर जो है वो आपके पास अवेलेबल है। एक और चीज आप लोगों ने अभी कंपेन लेवल के ऊपर देखा हो कि अगर आपने फेसबुक पेज लाइक कंपेन बनानी हो तो यहाँ पे तो किसी किस्म की कोई ऑप्शन जो है वो नहीं आ रही। तो माइट भी आपके माइंड में आ रहा हो कि शायद फेसबुक पेज लाइक कंपेन ऑब्जेक्टिव खत्म हो गया है, लेकिन वो स्टिल इंगेजमेंट ऑब्जेक्टिव के अंदर ही जो है वो अवेलेबल है। तो अगर पेज लाइक कंपेन बनानी है तो आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ से अपना फेसबुक पेज जो है वो सिलेक्ट कर लेना है, और यहाँ से जो पूछेगा कौन से फेसबुक पेज के लिए आप लोग जो है वो पेज लाइक कंपेन जो है वो बनाना चाह रहे हो, यहाँ पे आप ही ऑप्टिमाइजेशन फॉर एड डिलीवरी जो होगा वो पेज लाइक के लिए होगा। ठीक है, तो अगेन जब भी इंटरफेस चेंज होता है तो सिर्फ उस इंटरफेस को समझने की ज़रूरत होती है, ऑप्शंस जो है वो उसी तरह आपके पास जो है वो अवेलेबल होती हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे इन्होंने इंगेजमेंट ऑब्जेक्टिव के अंदर जो है वो कर दी हैं, जो कि हम लोग देख चुके हैं। उसके बाद लीड्स की ऑप्शन के ऊपर जो है वो अगर हम लोग आए लीड्स को सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद एड सेट लेवल पे देखते हैं और कौन कौन सी चेंजेस आई हैं। तो अब यहाँ पे देखें, प्रीवियसली लीड जनरेशन का ऑब्जेक्टिव जब भी हम लोग जो है वो सिलेक्ट करते थे तो वो सिर्फ और सिर्फ इंस्टेंट फॉर्म्स के लिए जो है वो हमारे पास या मैसेंजर के लिए जो है वो यूज़ होता था, लेकिन अभी उन्होंने जो कन्वर्जन ऑब्जेक्टिव के अंदर वेबसाइट लीड जनरेशन यानी साइन अप्स की जो ऑप्शन थी वो भी इस लीड जनरेशन ऑब्जेक्टिव के अंदर जो है वो प्रोवाइड कर दी है। तो अगर आप लोग वेबसाइट सिलेक्ट करेंगे तो फिर आपको अपना पिक्सल भी सिलेक्ट करना पड़ेगा, और पिक्सल इवेंट जिस चीज़ के लिए आप लोग लाइक साइन अप है या लीड ऑब्जेक्टिव है वो सिलेक्ट जो है वो यहाँ पे करना पड़ेगा, जिस चीज़ के लिए अभी कंपेन को ऑप्टिमाइज कर रहे हैं। तो इसकी ऑप्टिमाइजेशन भी जो है वो आप लोग अगर देखेंगे तो उसी ऑब्जेक्टिव के लिए होगी जो आप लोग जो है वो सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखने कन्वर्जन के लिए आ रहा है। अच्छा, उसके बाद इंस्टेंट फॉर्म्स है, ये उसी तरह से जो फेसबुक के ऊपर स्मॉल पॉपअप फॉर्म्स वगैरह जो है वो बनते हैं, तो उसके लिए हम लोग जो है वो कंपेन इंस्टेंट फॉर्म्स जो है वो बना सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास मैसेंजर के लिए लीड जनरेशन, लाइक मैसेंजर के ऊपर आप लोग क्वेश्चन जो है वो सेट कर दें, वहाँ के लिए लीड जनरेशन जो है वो कर सकते हैं। कॉल्स अगर जो है वो कॉल ऑब्जेक्टिव के लिए कंपेन बनाना चाहें तो ये भी यहाँ पे देखें, हमारे पास लीड जनरेशन के अंदर कॉल ऑब्जेक्टिव जो है वो मौजूद है। और लास्ट पे ऐप है, अगर आप लोग अपनी ऐप के ऊपर लोगों को भेजना चाहें तो यहाँ से ऐप ऑब्जेक्टिव को जो है वो आप लोग सिलेक्ट जो है वो कर सकते हैं। तो अगेन सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है सारी, हम लोगों ने इंटरफेस को समझने की कोशिश करनी है, इससे भागना नहीं है, डरना नहीं है। ऐप प्रमोशंस नॉर्मली अगेन ऐप्स के लिए होगा, लेकिन सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट सेल्स ऑब्जेक्टिव है, इसको हम लोग चेक करते हैं। सेल्स को सिलेक्ट करना है, उसके बाद नेक्स्ट बटन के ऊपर जो है वो क्लिक करना है आपने। तो यहाँ पे अगेन आप देखें, वेबसाइट के ऊपर अगर आप लोग कन्वर्जेंस जो है वो चाह रहे हैं के लोग जो है वो सेल्स करें, वेबसाइट परचेज करें सॉरी, तो वेबसाइट को सिलेक्ट करेंगे। ऐप के ऊपर जो है वो लोगों को भेजना चाह रहे हैं, वेबसाइट एंड ऐप दोनों के लिए करना चाह रहे हैं, मैसेंजर के ऊपर जो है वो सेंड करना चाह रहे हैं या व्हाट्सएप के ऊपर जो है वो करना चाह रहे हैं, तो ये ऑप्शंस हमारे पास सारी अवेलेबल है। बाकी ऑप्शन सारी वही है हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ ये कंपेन लेवल के ऊपर थोड़ा सा इंटरफेस चेंज हुआ है और इन्होंने कुछ चीज़ों के अंदर जो है वो मर्ज कर दिया है। तो होपफुली आपने अगर प्रीवियस वीडियोस वगैरह जो है वो देखी होंगी तो उसमें ये ऑब्जेक्टिव्स जो है वो समझ लिए होंगे। अब उन्हीं ऑब्जेक्टिव्स को उन्होंने क्या किया है, इन ऑब्जेक्टिव्स के अंदर मेन 6 सब हेड बना के इनके अंदर जो है वो मर्ज कर दिया है। तो होपफुली आपको ये न्यू इंटरफेस की भी समझ आ गई होगी। रिमेनिंग एड सेट लेवल या एड लेवल में जितनी भी चीज़ें थी लाइक ऑडियंस प्लेसमेंट्स एड लेवल, वो सारे के सारे जो है वो सेम है। तो इस तरह से अगर किसी के पास भी न्यू इंटरफेस आ रहा है तो आप लोग इस तरह से आसानी के साथ उसके ऊपर काम कर सकते हैं।